नमस्कार, मैं सुकृति रॉय आप सभी का वन इंडिया हिंदी में स्वागत करती हूँ। कर्नाटक में बतौर मुख्यमंत्री के तौर पर कुमारस्वामी शपथ लेंगे, लेकिन इस बीच ये कयास लगने लगे हैं कि कर्नाटक में एक नहीं बल्कि दो मुख्यमंत्री होंगे। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष जी परमेश्वर इस बात की ओर इशारा करते हुए कहा है कि मुमकिन है कि प्रदेश में दो मुख्यमंत्री हों, लेकिन इस पर अंतिम फैसला एचडी कुमारस्वामी ही लेंगे जब वो गठबंधन के शीर्ष नेताओं से मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि जेडीएस के नेता अकेले ही शपथ ग्रहण करेंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने बताया कि जेडीएस नेता अकेले ही गठबंधन करेंगे, जबकि बाकी की कैबिनेट ट्रस्ट वोट पास होने के बाद शपथ ग्रहण करेगी। जिस तरह से कांग्रेस और जेडीएस के बीच आखिरी समय में गठबंधन हुआ और मतगणना के दिन ही कांग्रेस ने जेडीएस को सरकार बनाने में सहयोग देने का ऐलान किया था, उसके बाद भाजपा को करारा झटका लगा था। माना जा रहा है कि कांग्रेस परमेश्वर को मुख्यमंत्री बनाएगी, लेकिन जेडीएस के नेताओं ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि प्रदेश में दो उप मुख्यमंत्री हो सकते हैं। राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ होने वाली अहम बैठक से पहले कुमारस्वामी तिरुमाला मंदिर जा सकते हैं, जहां वो भगवान बालाजी के दर्शन करेंगे और आशीर्वाद मांगेंगे। वहीं कांग्रेस और जेडीएस के बीच हुई अहम बैठक में इस बात का फैसला लिया गया है कि आखिर कैसे दोनों दलों के बीच सत्ता का बंटवारा होगा। आपको बता दें कि कर्नाटक में कांग्रेस के खाते में 78 सीटें आई हैं, जबकि कुमारस्वामी की पार्टी को 38 सीटें ही मिली हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी ही कई अन्य जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।